हाय, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह पूरी एक सीरीज होगी। मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच की सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे एट टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, तो नाइन पर सेपरेट वीडियोस और उसमें जितना भी टॉपिक्स है नाउन से रिलेटेड सब कवर करवाऊंगी। फिर प्रोनाउन पर आऊंगी, फिर एडजेक्टिव पर आऊंगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट डिटेल्स में पूरा मैं पढ़ाऊंगी। तो आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। आप इसके नाम से समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स, यानी जो भी अभी हम बोलते हैं उनको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, ब्रेक, सैंड, एसेट्रा एसेट्रा। इसी टाइप से जब भी हम बोलते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो उसके पार्ट होते हैं। अब वो सेंटेंस जो है कई सारे मटेरियल से मिलकर बन रहा है और वो मटेरियल ही है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वी कैन से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेस ऑफ एनी सेंटेंस। देखिए, देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस वीडियो में केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिससे कि आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि एट टाइप्स ऑफ स्पीच जो है हमारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कैसे आए, इनका क्या यूज है और प्लस एग्जांपल इनके, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं वन बाय वन स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन लूंगी। ये आगे जितनी भी वीडियो तक चले, जब तक पूरा नाउन कवर नहीं हो जाएगा तब तक मैं हर वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। जैसे नाउन के टाइप्स, इसके बाद उसके जेंडर, इसके बाद उसका नंबर, स्पेशल केसेस नाइन, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगी। स्कूल में जो पूछा जाता है, कंपटीशन तक कैसे पूछा जाता है, अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करेंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे हर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थर्ड या फोर्थ से इंग्लिश ग्रामर में शुरू हो जाता है व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स इट। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि नाउन की डेफिनेशन इससे भी आगे हो सकती है विद एग्जांपल्स। कोई भी चीज जो एक नाम है, किसी का भी नाम हो, वो नाउन है। अगर आपको कोई नाउन पहचानना है, किसी ने आपको बोल दिया इसमें से नाउन पहचानो, आपको माइंड में क्या लाना है, नेम। इसमें से नेम क्या है, जो नेम है वही नाउन। किसी भी नेम, जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है, गर्ल नाउन है, आई एम अ टीचर, टीचर एक नाउन है, मैं एक टीचर हूँ, टीचर यस नाउन है, ये मेरे हाथ में पेन है, ये एक नाउन है, हाँ ये एक नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड, ये एक नाउन है, हाँ बोर्ड एक नाउन है। हर चीज, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज उठा लीजिए आप, बुक, कैमरा, मोबाइल फोन, anything which is the name of any place, person or thing is a noun। जैसे रीता is a girl। ये देखिए, यहाँ पर रीता भी noun है और girl भी noun है, लेकिन difference क्या है, रीता proper noun है और girl common noun है। अब ये क्या है, मैंने आपको बोला था मैं next video start करूंगी noun की, तो types of noun पढ़ाऊंगी उसमें। उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगी proper noun, common noun, और आप बिल्कुल अच्छे से पहचान जाएंगे। तो अभी आप ये सोच छोड़ दीजिए, बस आप ध्यान दीजिए नाउन। अब ऐसे तो दुनिया में हर चीज नाउन हो गई, लेकिन आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज आपको ये भी पता चलेगा कि हर चीज नाउन नहीं होती, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं, और कैसे आप उनका यूज करते हो बिना ये जाने कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे हो। रीता इज अ गर्ल, रीता भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, सब नाउन है। मैंने जैकेट पहन रखी है, इज इट नाउन, यस नाउन। हमारी इंडिया, इंडिया इज अ नाउन, कैपिटल, कंट्री, कंट्री इज अ नाउन, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री इज ऑल्सो अ नाउन, पर कौन सा नाउन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। अच्छा, लेकिन क्या नाउन यही खत्म होता है? अब मैं आपसे बोलूं, लव, ऑनेस्टी, करेज, ये भी तो नाम है। ये क्या नाम है, किसी की क्वालिटी का नाम है, किसी की क्वालिटी का नाम है। जैसे बोलते हैं वो बड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये किसी की क्वालिटी हो गई, तो ये भी नाउन है। तो इसलिए हम डेफिनेशन में आगे लिख देंगे और थिंग नहीं, आगे और भी है, क्वालिटी। अच्छा,
लव ये क्या है? ये किसी के लिए फीलिंग्स है, आप बहुत खुश हो। हैप्पीनेस ये क्या है? ये फीलिंग है। तो क्या फीलिंग भी क्या है? नाउ, क्योंकि वो भी नेम है ना। क्या है लव? लव इज द नेम ऑफ एनी फीलिंग। हैप्पीनेस इज द नेम ऑफ एनी फीलिंग। तो मैंने क्या कहा, दुनिया में अगर किसी का कोई भी नाम है तो वो नाउन है, तो इसमें फीलिंग्स भी आ जाएगा, क्वालिटी और फीलिंग। ये हमारी डेफिनेशन अब कंप्लीट हुई है, जो अब मुझसे पढ़ते आते थे। नाउ इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी हैज करेज टू डू दिस वर्क, इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख भी देती हूँ लव, ये फीलिंग्स हो गई, हैप्पीनेस ये फीलिंग्स हो गई, क्वालिटी में क्या क्या आ गया आपका, करेज, ऑनेस्टी। आपको समझ आ गया? अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा दुनिया में जितनी भी चीज है सभी नाउन है, क्योंकि सभी नेम है ना। लेकिन अब देखिए आगे चलिए, नाउन के अलावा क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, क्योंकि आगे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो डिसाइड करेगा नाउन। नाउन के अकॉर्डिंग ही हम आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं, और मैं आप एग्जांपल से आपको फिर समझ आता जाएगा, जैसे जैसे मैं एग्जांपल बताती जाऊंगी। क्योंकि नाउन ही डिसाइड करता है एडजेक्टिव क्या यूज होगा, नाउन ही डिसाइड करता है प्रोनाउन क्या यूज होगा, कैसे अभी देखिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन का वर्ड समझिए, नाउन ये है, नाउन के आगे प्रो, यानी यहां पर प्रो का मतलब कह सकते हैं नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है प्रोनाउन। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम तो नाउन यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्यों, रीता इज अ गर्ल, बहुत अच्छी बात है, इसमें दो दो नाउन। She goes to school daily. वह डेली स्कूल जाती है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए प्रोनाउन ना होता, हम यूज ना करें, रीता इज अ गर्ल, रीता इज अ गर्ल, रीता गोज टू स्कूल डेली, रीता वेक्स अप एट 6 AM, देन रीता गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग। बार बार हमें नाम लेना पड़ रहा है, जब भी हम एक इंसान या किसी भी की बात कर रहे हैं उसका बस एक बार हम नाम लेते हैं, इसके आगे अगर हम उसी की बात कर रहे हैं तो ही, शी, दे, इट, हम इसका यूज करते हैं। और यही सब क्या है आपके प्रोनाउन, यही सब आपके प्रोनाउन है। अब मैंने आपको बोला था कि नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है प्रोनाउन भी कौन सा यूज होगा। अगर हमें नाउन ही नहीं पता होगा तो हम प्रोनाउन भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों मैंने ऐसा बोला, ये देखिए हमें ये पता होगा रीता इज अ गर्ल, रीता एक लड़की है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम ही भी यूज कर देंगे और वो हमारा गलत हो जाएगा। तो नाउन के अकॉर्डिंग ही लग रहा है ना प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। रीता इज अ गर्ल, शी रीता की जगह यूज करती, क्योंकि हमारे माइंड में रीता इज अ गर्ल, रीता एक लड़की है, और लड़की के साथ शी यूज करते हैं, लड़का होता तो ही यूज करते, कोई नॉन लिविंग थिंग्स किसी की बात करते इट यूज करते, एनिमल्स वगैरह की बात करते इट यूज करते, इस टाइप से है। दे कब यूज करते, जब प्लूरल में होता, बहुत सारे जने होते इधर तो हम दे यूज करते। तो ये सब नाउन, सबसे पहले हमें नाउन पता होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा नाउन, और नाउन के बेस पर ही हमने लिख दिया उसकी जगह प्रोनाउन। ये आपको अब आपको समझ आ गया, नाउन वर्ब भी डिसाइड करता है, नाउन एडजेक्टिव भी डिसाइड करता है। मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, नाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए एडजेक्टिव, ये थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, तो उसके नाम से देखिए विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब विशेषता तो बता रहा है लेकिन केवल नाउन की या प्रोनाउन की, इन दोनों में से किसी की भी विशेषता बताता है कैसे। मैंने ऊपर लिखा था रीता इज अ गर्ल, अब मुझे घर की भी क्वालिटी बतानी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अभी तक नाउन और प्रोनाउन से मुझे पता चला था रीता एक लड़की है, लेकिन जैसी एडजेक्टिव ने एंट्री मारी तो मुझे ये भी पता चल गया कि रीता एक
सुंदर लड़की है, रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि गर्ल के पहले लगा है, यानी मुझे नाउन की क्वालिटी क्वालिटी पता चली, इसलिए लिखा है क्वालिफाइज द नाउन और इट मॉडिफाइज द नाउन। क्वालिफाइज या मॉडिफाइज वर्ड हम यूज करते हैं विशेषता बताए, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ब्यूटीफुल तुरंत पता चल गया एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी रीता एक लड़की है ये नाउन से पता चल गया, और लड़की कैसी है ब्यूटीफुल है, तो इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर गर्ल की, उसको हमने बोल दिया एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल से समझिए, मैं ऐसा करूं ही इज अ प्लेयर, इसमें प्रोनाउन ही इज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी है, वह खिलाड़ी है, अब मैंने लगा दिया यहां पर एडजेक्टिव ही इज अ गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी है, प्लेयर तो है कैसा है गुड, यानी मैंने इसकी विशेषता बता दी अच्छा, ये भी एडजेक्टिव हो गया नाउन या प्रोनाउन की, वह कैसा है गुड, यानी यहां पर ही की क्या विशेषता होगी गुड, अच्छा खिलाड़ी है। और ये जो वर्ड है एडजेक्टिव ज्यादातर ये नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले ही यूज होता है, नाउन से पहले ही यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, क्योंकि जिसकी जो विशेषता बता रहे ना जस्ट उसके पहले ही लगता है, ही इज अ गुड प्लेयर, इस टाइप से हम यूज करते हैं। अब देखिए नाउन के अलावा भी कितनी सारी चीजें आ रही है, नाउन हर चीज का नेम नाउन है, तो नाउन ही नाउन है, हाँ नाउन है, सबसे ज्यादा नाउन ही है, लेकिन नाउन के अलावा भी सेंटेंस को और ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि मैंने बताया बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन करते हो आप, सीमेंट लेते हो, ब्रिक्स लेते हो, और भी चीजें सैंड लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, ठीक है, लेकिन जब पूरी बिल्डिंग आपकी तैयार हो जाती है तो आप उसको ब्यूटीफाई करने के लिए उस पर पेंट करते हो, प्राइमर करते हो, फिर अच्छा सा पेंट करते हो बहुत। तो इसी टाइप से आप मान लीजिए ये हमारा बन रहा है बेस नाउन प्रोनाउन, और इसको अब और हम ब्यूटीफाई करते जा रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके। नंबर फोर, वर्ब। तो जब मैंने टेंसेस पढ़ा एक्टिव पैसिव वर्ब तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं एक बार और बता देती हूँ, अ वर्ड दैट शोज एक्शन अ स्टेट और अ पोजीशन, जो वर्ड एक्शन बताती है कि काम हो क्या रहा है, एक्शन नहीं है तो उसकी स्टेट बताती है और या फिर पोजेशन बताती है। और कोई भी सेंटेंस मैं आपको पहले ही बता दूं, उससे पहले वर्ब आप एग्जांपल देखें, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब बन ही नहीं सकता, उसमें वर्ब होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो जैसे स्टेट शो करे, पोजेशन शो करे, चाहे जो काम एक्शन उसका एक्शन शो करे कि नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर प्लेज टेनिस, मेरा भाई टेनिस खेलता है, तो इसमें वर्ब क्या हो गई प्लेज, ठीक है, प्लेज इसका वर्ब हो गई, और प्लेज खेलता है तो मतलब एक्शन शो हो रहा है ना, कोई स्टेट पोजेशन तो नहीं है एक ही जगह, ठीक है, तो वर्ब क्या शो करती है एक्शन। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंस, सेकंड ही इज अ प्लेयर, अब इसमें कुछ काम शो नहीं हो रहा, हमने बोल दिया ही इज अ प्लेयर, तो ये क्या हो गई, ही की एक स्टेट हो गई, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है जो इसकी स्टेट शो कर रही है, ही इज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, जिसमें कोई एक्शन ना हो उन सेंटेंसेस में भी वर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वर्ब के ऊपर, आप मेरी जाकर देख सकते हैं, स्टैटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब, स्टैटिव वर्ब, इस टाइप के वर्ब को स्टैटिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या शो हो रहा है, स्टेट शो हो रहा है, ही इज अ प्लेयर। या फिर अभी मैं कह दूं आई हैव अ कार, तो इसमें भी मेरा स्टेट या पोजेशन, पोजेशन हम अच्छा वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, मेरे पास कार है, मैंने पोजेशन बता दी कि आई, जो आई है प्रोनाउन उसके पास क्या पजेस्ट करता है, वो कार, और इससे उसकी स्टेट शो हो रही है कि उसके पास कार है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है केवल एक्शन ही शो हो, स्टेट स्टैटिव वर्ब भी होती है जो केवल स्टेट शो करती है, जैसे ही इज अ प्लेयर, वह खिलाड़ी है, कोई इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, बस उसकी स्टेट पता है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं ये नहीं बता रही मैं अभी कर क्या रही हूँ, आई एम टीचिंग ये अभी नहीं बता रही कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम अ टीचर ये मेरी स्टेट है जो हमेशा रहेगी, आई एम अ टीचर, आई जो है उसकी स्टेट है। तो इस टाइप से हम वर्क करते हैं, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस इसमें फॉर्म नहीं हो सकता, वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब नंबर फाइव पर आ गया एडवर्ब,
अच्छा, अ वर्ब दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, बाकी एडवर्ब भी विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव ने बता दी, इन सबको छोड़ के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हैं एडवर्ब उनकी विशेषता बताता है और साथ में अपनी भी विशेषता बताता है। मतलब आप देखिए, अपनी भी विशेषता बता देगा, अपने आप को भी ब्यूटीफाई कर देगा और इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के लिए तो एडजेक्टिव बना दिया हमने, नाउन और प्रोनाउन के लिए हमने एडजेक्टिव बना दिया, तू उसकी विशेषता बता, एडवर्ब से हमने कह दिया अब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचे उनकी तुम बताओ, वही विशेषता एडवर्ब, और साथ में इसने खुद की भी बता देता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए, रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अभी तक आपने ये सेंटेंस पढ़ा था, रीता सुंदर लड़की है, तो मैंने बताया था ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गर्ल जो है उसकी विशेषता बता रहा है कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। ठीक है, अब मैंने इसके आगे एक और वर्ड यूज कर दिया वेरी, जो कि एडवर्ब होता है वेरी। रीता बहुत सुंदर लड़की है, मतलब सुंदर लड़की है, उसने नाम की विशेषता बताई, अब बीच में एडवर्ब पड़ा, मैं भी तो कुछ करूंगा, मैंने इसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, बहुत सुंदर, सुंदर में भी ऐड कर दिया, सुंदर की विशेषता बताते हुए कह दिया बहुत, यानी ब्यूटीफाई कर दिया इस वर्ड को भी। तो इस तरह से इसने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आपको डिफरेंस अब समझ आ गया होगा एडजेक्टिव एडवर्ब में। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय ब्रदर प्लेस टेनिस, मेरा भाई टेनिस खेलता है, सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें नाउन आ रहा है, वर्ब आ रही है, ये सब। ठीक है, टेनिस नाउन हो गया, प्लेस वर्ब हो गई, माय ब्रदर प्लेस टेनिस वेल, मेरा भाई अच्छा टेनिस खेलता, वेल मतलब किसी की अच्छाई के लिए हम यूज करते हैं वेल, ठीक है, टेनिस खेलता है, ठीक है, अच्छा टेनिस खेलता है, अच्छा, तो ये क्या हो गया, वेल एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, तुम्हारा भाई कैसा खेलता है, वेल अच्छा खेलता है, क्योंकि वर्ब के बाद लगा है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तुम्हारा भाई, मेरा भाई खेलता है अच्छा, वर्ब के बाद लगा है एडवर्ब, मेरा भाई खेलता है अच्छा, यानी खेलने की विशेषता बता रहा है, अच्छा खेलता है। तो देखिए, यहां पर इसने वर्ब की विशेषता बता दी, यहां पर एडजेक्टिव की बताई, यहां पर वर्ब की। अब एक और चीज मैंने कही अपनी भी विशेषता बता दें, तो मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, अपनी विशेषता बताता है, मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रही हूँ वेरी। अब इस सेंटेंस को आप रीड कीजिए, माय ब्रदर प्लेस टेनिस वेरी वेल, मेरा भाई बहुत अच्छा टेनिस खेलता है, बहुत अच्छा टेनिस खेलता है। देखिए, अब ये एडवर्ब से पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया वेरी, ठीक है, यानी ये अपनी भी विशेषता बता रहा है, मेरा भाई अच्छा खेलता है, यानी मेरा भाई टेनिस बहुत अच्छा खेलता है, पहले वर्ब की बताई वेल से, वेल की आ रही थी, एक और एडवर्ब लगा दिया वेरी, तो उसने अपनी भी विशेषता बता दी, यानी ये एडवर्ब था वेल, वेल की विशेषता बता रहा है, अपनी भी विशेषता बता दी। तो इस टाइप से आई होप अब आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज समझ आ गया होगा। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, और मुझे और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, या कोई भी डाउट आप एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रहा, पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से देखिए, पोजिशन जो क्या बताता है, किसी चीज की पोजिशन, मतलब प्री पोजिशन, पहले लगकर, प्री मतलब पहले से, पोजिशन बताना, पोजिशन बताना किसी वर्ड के पहले लगकर। ठीक है, अ वर्ड विच लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड, जो लिंक करता है नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड के साथ, कैसे, द बुक इज ऑन द टेबल, मैं इसमें से और हटा देती हूँ, द बुक इज द टेबल, बुक एक टेबल है, कोई सेंस है नहीं। तो देखिए, अब यहां पर ये क्या हो गया, ऑन प्रीपोजिशन, ऑन से हमें पता चल गया बुक टेबल पर है। ठीक है, तो इसने ये बुक को टेबल से जो कनेक्ट करने के लिए, यानी एक नाउन को दूसरे नाउन से लिंक करने के लिए जो वर्ड हमने यूज किया, वो किया ऑन बुक टेबल पर है। एक और एग्जांपल समझिए, और यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, नाउन को या प्रोनाउन को लिंक करता है ना, दो वर्ड होते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों नाउन भी हो सकते हैं, और उसको बीच में रख के उसकी पोजीशन बता दी इसने। ठीक है, द बॉयज आर द क्लास, लड़के क्लास है, बॉयज
कोई सेंस नहीं, लेकिन जैसे ही ये बॉयज और क्लास के बीच में लग गया दोनों नाउन के, इसने बता दिया इन इन ये है, इसने क्या बता दिया कि लड़के क्लास में हैं, उनकी पोजीशन बता दी कहां पर है। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। नंबर 7 कंजंक्शन। कंजंक्शन अ वर्ड, इट इज अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। देखिए इसके नाम में ही है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना, जोड़ते हैं जब हम, ठीक है। जंक्शन वो चीज होती है, कई सारी चीज एक जगह आकर मिल जाती है, वो चीज हमारी जंक्शन होती है। तो जो सेंटेंसेस जो है एक जगह आकर मिल जाते हैं, यानी वो एक सेंटेंसेस बन जाते हैं। अ वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस, जैसे आई कॉल्ड हर, शी डिड नॉट आंसर। मैंने उसे कॉल किया, उसने आंसर नहीं दिया। देखो अब हम हिंदी में आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम तो इसे ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे कॉल किया, मैं क्या करूं, मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने आंसर भी नहीं दिया। लेकिन मतलब बट, और यही हमारा क्या है, कंजंक्शन। बट एंड बिकॉज, जिससे हमारे सेंटेंस कनेक्ट होते हैं वो हमारा कंजंक्शन होता है। तो इसको हमें एक सेंटेंस में लिखना होगा, तो हम इसको बोलेंगे आई कॉल्ड हर बट शी Did not answer. एक बट, ये कंजंक्शन लगने से ये पूरा सेंटेंसेस एक ही हो गया, इसलिए इसका नाम भी है कंजंक्शन, जहां एक पॉइंट पर आके चीजें मिल जाती है, ठीक है, कंजंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब दोनों ही मार्केट जा रही हैं, तो ये तो कह सकते हैं रीता और सीता दोनों ही मार्केट जा रही है, यानी एंड, और का मतलब हो गया एंड। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, रीता एंड सीता आर गोइंग टू मार्केट। आप लोग बोलोगे रीता एंड सीता, यहां तो इस था भाई, क्योंकि अलग अलग बात हो रही थी, रीता सिंगुलर थी, सीता सिंगुलर थी। ये हम आगे नंबर्स पर पढ़ोगे, सिंगुलर प्लूरल, आगे नाउन पर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो और यहाँ पर दो दो अलग अलग लड़कियां हो गई, रीता एंड सीता, ठीक है। तो जब भी हम एक से ज्यादा यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करते हैं ना, इस तो आर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आर इज इक्वल आर गोइंग टू मार्केट। अच्छा, कंजंक्शन भी ज्वाइन करता था, प्रपोजिशन भी लिंक करता था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रपोजिशन एक ही सेंटेंस में दो वर्ड को लिंक करता था, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड को, जैसे दो नाउन को लिंक करता, लिंक दिखाया था मैंने, द बॉयज आर इन द क्लास, तो बॉयज को क्लास से लिंक कर रहा है, लेकिन सेंटेंसेस एक ही है इन लगाकर। लेकिन इसमें कंजंक्शन क्या है, एक वर्ड लगाकर वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रपोजिशन में। प्रपोजिशन सेंटेंसेस ज्वाइन नहीं करता, वो दो वर्ड लिंक करता है, जबकि कंजंक्शन सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है इंटरजेक्शन। द अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस फीलिंग लाइक सरप्राइज, हैप्पीनेस, सोरो, पेन एटसेट्रा। जो वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो भी ये फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स एक नाउन है, जितने भी नाउन है फीलिंग्स वाले, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सोरो, इसको शो करने के लिए वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के आपको एग्जांपल मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बताया था, उसको भी बोल सकते हैं, जैसे अलास, ब्रेवो। तो क्या है अलास, इतना बोलते ही आप क्या समझ जाओगे, कोई पेनफुल सेंटेंस, कुछ बुरी खबर, बैड न्यूज आ रही है। हुर्रे मतलब कुछ गुड न्यूज है, आप हुर्रे ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, जैसे अलास वी हैव वॉन द मैच, इसका मतलब तो मतलब क्या हो जाएगा, दुखी थोड़ी ना, खुश होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड है हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अलास ही डाइड। आप किसी की ऐसे न्यूज हो गए तो उस पर ऐसे लोग हुर्रे नो, ठीक है। तो इसलिए इंटरजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहां पर फीलिंग शो करने के लिए गलत वर्ड अगर हम यूज कर देंगे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए। आपको अगर कोई भी डाउट है, मैंने ट्राई किया है अच्छे पूरा, कि आपको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, कैसे कैसे हम यूज करते हैं। नाउन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वही डिसाइड कर रहा है, ठीक है।
और इनफैक्ट प्रोनाउन भी नाउन के ऊपर ही रिप्लेस हो रहा है, एडजेक्टिव भी नाउन को देखते हुए लगाया जा रहा है, ठीक है। प्लस वर्ब के बिना तो सेंटेंसेस बन ही नहीं सकता, चाहे वो स्टेटिव वर्ब हो या वो एक्शन वाली वर्ब हो, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ वीडियो। तो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।